जयपुर से खबर है। पिंक सिटी की हवा में घुला प्रदूषण का जहर। जयपुर में प्रदूषण का एयर क्वालिटी इंडेक्स औसत 245 तक पहुंचा। सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में एयर क्वालिटी इंडेक्स सीतापुरा और मुरलीपुरा में पहुंचा। मुरलीपुरा में 305 और सीतापुरा में 307 AQI, वही मानसरोवर में 246 AQI। पुलिस आयुक्तालय का एयर क्वालिटी इंडेक्स 236, शास्त्री नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 238, वही आदर्श नगर में 177 AQI। देखिए, दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बढ़ा है। आबोहवा खराब हो गई है, लोगों का सांस लेना तक सभा में दूभर हो गया है, लोगों को परेशानी हो रही है और जो लोग अस्थमा के मरीज हैं उनके लिए बेहद ज्यादा खतरनाक है, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस प्रदूषण से बचे, क्योंकि देखिए अभी स्कूलों की भी छुट्टी चल रही है, कई दफ्तरों की भी छुट्टी है, तो कोशिश करें कि अपने घर पर रहें, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो ये आबो हवा खराब हो चुकी है और ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो पिंक सिटी की हवा में भी घुला है प्रदूषण का जहर। जयपुर में प्रदूषण का AQI औसत 245 तक पहुंचा। सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में AQI सीतापुरा और मुरलीपुरा में पहुंचा। मुरलीपुरा में 305 और सीतापुरा में 307 एयर क्वालिटी इंडेक्स, मानसरोवर में 246 एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहीं पुलिस आयुक्तालय का एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 पहुंचा। शास्त्री नगर की बात करें तो यहां का AQI 238 और आदर्श नगर में 177 AQI पहुंचा। तो कुल मिलाकर ये कहना नहीं गलत नहीं होगा कि आबो हवा पूरी तरह से खराब हो गई है और इस जहरीली हवा में सांस लेना तक दूभर हो गया है। लोगों को खांसी दिक्कतें हो रही हैं, सांस संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन भी हो रही है, क्योंकि वायु में प्रदूषण घुल गया है और इसकी वजह से लोगों को आंखों में भी दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। पिंक सिटी की हवा में जहर घुल गया है और ये जहर है प्रदूषण का। जयपुर में प्रदूषण का AQI औसत 245 तक पहुंचा, तो वहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति में AQI सीतापुरा और मुरलीपुरा में है। आशीष चौहान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन पर बन गए हैं। आशीष, जहरीली हो गई है प्रदेश की राजधानी की हवा, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया, इससे लोगों को सांस संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है। कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि लोगों को परेशान कर रहा है? काफी हद तक बढ़ गया है, क्योंकि कल देर रात तक आतिशबाजी हुई है, उसका असर भी राजधानी जयपुर में देखा जा रहा है। पिंक सिटी की हवा की यदि बात की जाए पॉल्यूशन की, तो AQI लेवल 245 तक पहुंच गया है और सबसे खतरनाक स्थिति मुरलीपुरा और सीतापुरा में है। मुरलीपुरा की बात की जाए तो वहां पर 305 और सीतापुरा में 307 तक AQI पहुंच गया है। वहीं मानसरोवर में तकरीबन 250 के आसपास और कमिश्नरेट में भी 236 और शास्त्री नगर और आदर्श नगर में थोड़ा कम है। और देखिए, जिस तरीके से हवा में लगातार जो पॉल्यूशन है, पराली का भी असर देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों में से जो पराली है वो भी राजधानी की तरफ लगातार जो धुआं है वो आता हुआ दिख रहा है, यानी कि लोगों को सांस लेने में जरूर परेशानी होगी। और खासकर ऐसे लोगों को जिनको अस्थमा की बीमारी है, जिनको सांस से संबंधित बीमारियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार फैलता है तो ऐसे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब कुछ दिन बाद में हो सकता है कि राजधानी की जो हवा है वो सुधर सके, लेकिन फिलहाल राजधानी की हवा बिगड़ी हुई है, खराब है और लोग जो है वो अभी अवॉइड कर रहे हैं सुबह या शाम की जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि दौड़ या फिर जो सुबह और शाम को वॉक करते हैं वो भी अब नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो खास बात ये है कि राजधानी में सीतापुरा और मुरलीपुरा में पॉल्यूशन है वो सबसे खतरनाक देखा जा रहा है। हालांकि चार दीवारी के भीतर पॉल्यूशन इतना नहीं है जितना हर बार देखने को मिलता है, लेकिन खास बात यह है अब की बार की बाहरी हिस्सों में, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर पॉल्यूशन काफी ज्यादा है।
और मुरलीपुरा से यदि विश्वकर्मा की बात की जाए तो उधर भी पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा है क्योंकि वहां भी इंडस्ट्रीज एरिया है इस वजह से। लेकिन सीधे तौर पर अगर ओवरऑल बात की जाए तो जयपुर का EQI 245 तक पहुंच गया है, जो जिस तरीके से काफी खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है आगे आने वाले दिनों में यदि ऐसा ही रहा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चार दीवारी आसपास के इलाकों में इतना पॉल्यूशन नहीं है जितना हर बार हमेशा रहता है। जी ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।